देखिए जिला निर्णय किशनगंज हम सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों के जॉब के लिए काम करती है, उसके सेल्फ इम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो भी बच्चे या अभी तक नहीं जान पाए इसके बारे में, अब इनके माध्यम से, जिम्मेदारी के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए खबर फैले, लोग जाने जिला निर्णय के बारे में। एक्चुअली लोग करते क्या है, वो हर तरीके से हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसको करियर गाइडेंस से लेके अवेयरनेस कैंप, उसके स्किल से रिलेटेड जो भी उनको जरूरत होगा उसके लिए हम लोग तैयार है। उसके अलावा और मंथ दो जॉब कैंप कराती है हमारे जिला मंत्रालय के द्वारा, दो जॉब कैंप और मंथ कराया जाता है जी। जैसे अभी आज चल रहा है ना 27 तारीख से ब्लॉक वाइज 100 एक गेट पे एक ब्लॉक वाइज चलेगा, आज से 7 दिन तक चलेगा लगातार। तो इस तरीके का चीज हमारा ऑफिस कराया जाता है। उसके अलावा समुद्र पार म्यूजियम जिला में नाम सुना होगा आपने जी, जैसे अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का, इसके लिए भी हमारे ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये काम कराती है। मतलब तो जैसे बच्चे का दो कैंडिडेट जो भी इंटरेस्टेड में भाग जाए थे, वो क्या करते हैं हमारे यहाँ जॉब कराते हैं, फिर यहाँ से डाटा इन डॉक्यूमेंट्स का हेडक्वार्टर पटना भेज दिया जाता है। इसके बाद जो भी फर्दर प्रोसेस चलिए, लेकिन इसमें एक फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट आपके से डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, तो आपका सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट के बारे में किसी थर्ड पार्टी या किसी के उन सबसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, आपको गवर्नमेंट सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अगर आप चंदन जिले से हैं और आप चाहते हैं 10th 12th करने के बाद आमतौर पर करियर को लेकर अगर आप कहें नहीं आसानी स्थिति में रहते हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इसके लिए जिला निर्णय जिला कौशल विशेषज्ञ संतोष कुमार जी मौजूद हैं। ये यहाँ पे आमतौर पर युवाओं को बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा, इसमें क्या आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिस भी कोर्स में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं आप यहाँ ले। और जिले में जैसा कि मैंने एक खबर इससे पहले दिखाया कि यहाँ पे हर महीने कैंप भी चलाया जाता है ताकि युवाओं को रोजगार भी मिलता है। इससे सिर्फ ये बताइए आप डेटा आपके पास होगा कितना युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है। जॉब का चंदन से दीर्घ पार्टियों को